रेलवे ने अपने यात्रियों को स्टेशन पर रुकने की सुविधा के लिए पॉड या कैप्सूल होटल तैयार करने की योजना लागू की है। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से इसकी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत की जा रही है। रेलवे के अनुसार पॉड या कैप्सूल सफल होने के बाद दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता जैसे A+ स्टेशनों पर भी बनाए जाएंगे। ये होटल आधुनिक सुविधाओं से काम होते हैं। इसमें जरा सी जगह पर कई सारे बेड लगे होते हैं। इन्हें पॉड और कैप्सूल दोनों कहा जाता है। पॉड होटल से उन यात्रियों को सुविधा होगी जिन्हें एक रात या कुछ घंटों के बाद दूसरी ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पर रुकना पड़ता है। इसकी शुरुआत जापान में हुई थी। पॉड होटल काफ़ी कम खर्च पर बेहतर सुविधाओं के साथ रात भर ठहरने के लिए होते हैं। इसमें आपको सोने के लिए जो जगह दी जाती है उसमें AC, TV, लैपटॉप चार्ज करने की सुविधा भी होती है। पर्दे की मदद से आप यहाँ प्राइवेसी भी रख सकते हैं। ये 4 से 6 फुट चौड़ी और 7 से 8 फुट लंबी जगह होती है। रेलवे जिस पॉड होटल की तैयारी कर रही है उसमें फ्री वाईफाई, बिजनेस सेंटर, क्लॉक रूम, टॉयलेट, बाथरूम, कॉमन एरिया, लॉकर, TV, आईना, एयर फिल्टर, रीडिंग लाइट्स, मोबाइल चार्जर जैसी कई सुविधाएं होंगी। साथ ही इसमें पानी की बोतल, टॉवल, साबुन आदि होंगे। रूम में कॉमन बाथरूम और टॉयलेट होंगे। पहले चरण में 50 करोड़ रुपए सालाना राजस्व वाले स्टेशनों में बनाने की योजना है। इनका किराया 700 रुपए प्रति यात्री 24 घंटे का होगा। यात्री इसे कुछ घंटे के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन किराया उतना ही लगेगा जितना 24 घंटे के लिए होगा। एक रूम में 20-20 पॉड बनेंगे। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग रूम होंगे। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।